हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 इंग्लिश वर्ड देंगे और उसके हिंदी भी बताएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप लोगों को छोटी छोटी मीनिंगों के साथ आप लोग को इंग्लिश जो इंग्लिश सेंटेंस होता है उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो आज का हमारा सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग का है स्टार्टिंग का, वो है LADDER, लैडर। लैडर का मतलब क्या होता है? तो आप सबके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है। अगर आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, जिससे कि हम भी पता लगे कि आप लोगों को कितना पता है। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है सीढ़ी। लैडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है MEDICINES, मेडिसिंस। मेडिसिंस का मतलब क्या होता है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है दवाइयाँ। मेडिसिंस का मतलब क्या होता है? दवाइयाँ। तो अब हमारा अगला सवाल है TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल का मतलब क्या होता है? तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है मंदिर। टेम्पल का मतलब क्या होता है? मंदिर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है MOSQUE, मॉस्क्यू। मॉस्क्यू मतलब आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है मस्जिद। मॉस्क्यू मतलब क्या होता है? मस्जिद। अब हमारा अगला सवाल है VEHICLE, व्हीकल। व्हीकल मतलब क्या होता है? तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है गाड़ी। व्हीकल मतलब गाड़ी। अब हमारा अगला सवाल है CHURCH, चर्च। चर्च का मतलब क्या होता है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है गिरजाघर। चर्च मतलब गिरजाघर। अब हमारा अगला सवाल है WHEEL, व्हील। व्हील का मतलब क्या होता है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है पहिया। व्हील मतलब पहिया, मतलब टायर। अब हमारा अगला सवाल है SWEETS, स्वीट्स। स्वीट्स का मतलब क्या होता है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है मिठाई। स्वीट्स मतलब मिठाई। अब हमारा अगला सवाल है BOTTLE, बोतल। बोतल मतलब, तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है बोतल। बोतल मतलब बोतल। अब हमारा अगला सवाल है CUP, BOARD, कपबोर्ड। कपबोर्ड मतलब क्या होता है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं।
तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है अलमारी। कपबोर्ड मतलब क्या होता है? अलमारी। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड मीनिंग और उनके हिंदी। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऐड जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते तो आपको फर्स्ट टाइम टू टाइम पहुँच रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।